नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्विकली और ये वीडियो अंत तक देखिएगा। जितने लोग भी जो वर्किंग है, जो बार बार मैसेज करते हैं कि सर हम वर्किंग हैं, आखिर हम कैसे कम्पीट करें उनसे जिनको आप थ्रूली देख रहे हो कि 10-10 घंटा वो पढ़ रहे हैं, 10 या 12 घंटा जो भी पढ़ रहे हैं, उनको सर हमें कैसे बीट करना है। देखिए, आप मुझे ये जो वीडियो आपका होने वाला, हार्डली इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स, आप इसको अंत तक देखिएगा। A to Z चीज़, ठीक है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, हर चीज़ मैं बताने वाला हूँ। और इसको करने के बाद मैं आपको इंश्योर करता हूँ, ठीक है, सिलेक्शन आपके हाथों में होगा। नॉट सिलेक्शन बोलने का मतलब ये नहीं कि प्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेरिट, मेरिट आपके हाथों में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो नहीं करना है। अब जितना भी आपके टाइम हाथों में, सबसे पहला हर जगह कहीं भी जाके टेस्ट नहीं लगाने लगना है। मतलब आप या ये टेलीग्राम पे भी टेस्ट लगा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे अभी जो टेलीग्राम पे क्या होता है कि आपके क्विज लगाए बहुत सारे हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, मतलब सब चीज़ करने के चक्कर में नहीं करना है कि ये बुक से भी कर लेता हूँ, डिस्ट्री भी कर लेता हूँ, घटना चक्र भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, अपने आप को, ठीक है, आप पेशेंस रख के स्टेबल होके सबसे पहले क्या करना है, आपको इन चीज़ों से बचना है, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। सब चीज़ अगर करने के चक्कर में रह गए तो कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट वाइज ये फिक्स करना है कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। क्वेश्चंस लगाना बहुत ही अच्छी बात है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर हमें क्वेश्चंस लगाना कहाँ से। जैसे कि मराठा से हमेशा क्वेश्चंस आता है, बोटनी से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आता है और किस तरीके से क्वेश्चंस आता है। ये बहुत स्मार्ट स्टडी इसी को बोला जाता है। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना नहीं है, तो आपको सब चीज कवर करने के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। आप अपने आप को सबसे पहले स्टेबल करो, पेशेंस हो जाओ जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, आप ये फिक्स करो कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मान लीजिए अगर मैं बायोलॉजी का बात करता हूं, तो बायोलॉजी में भी जो मेन मेन टॉपिक्स है, जहां से क्वेश्चंस आए हैं, उसको टॉपिक में से भी सब टॉपिक कौन से हैं, वहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कौन से पूछे जाएंगे, तो वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया है, आपको एक एक सब्जेक्ट पे 2 से 3 दिन हमने दिया है, प्रॉपर एनालिसिस किया है। और मैं आपको बता दूं, नीचे लिंक होगा, ठीक है, लिंक होगा, आप जुड़ जाइएगा, जो भी चीज मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से आप समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट वाइज क्या क्या है आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि हमने साइंस का सबसे पहले एनालिसिस कर दिया था, उसके बाद करंट का एनालिसिस कर दिया था, उसके बाद एस्टेटिक जीके का, तो ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अब हिस्ट्री का भी आ जाएगा, पॉलिटी और ज्योग्राफी का भी आ जाएगा, ठीक है, कि अगर मुझे बायोलॉजी में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, बोटनी में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, टू द पॉइंट आपको एग्जैक्टली वहां से आइडिया हो जाएगा। तो सब्जेक्ट वाइज क्या हो गया, आपको एग्जैक्टली आइडिया हो गया कि मुझे पढ़ना क्या क्या है, और उस हिसाब से उस टॉपिक के आप एमसीक्यू लगाओगे, ठीक है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट फिक्स हो गया कि हर एक सब्जेक्ट में मुझे क्या क्या पढ़ना है, डन। दूसरा पॉइंट आपको जो है, ठीक है, सब्जेक्ट तो फिक्स हो गया कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ये भी फिक्स हो गया, आप इसको पढ़ना कहां से, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी आता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, आपका सब्जेक्ट वाइज हमने फोल्डर बना दिया। अब याद रखिएगा, जब हम ड्रीम डोज का वीडियो का फोल्डर का बात करते हैं, ये याद रखिएगा, ये बेस्ट नहीं आपके लिए, मतलब सिलेक्शन का एकदम रास्ता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं साइंस का बात करूं, ठीक है, तो साइंस के लिए आप यहां आपको दिख रहा होगा, हमने फिजिक्स का अलग बना दिया है, ठीक है, बायोलॉजी का अलग बना दिया है, बोटनी का अलग बना दिया, और प्रैक्टिस करने के लिए भी हमने स्पीडी एनालिसिस का अलग बना दिया। तो साइंस के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और ये जितने भी फोल्डर है इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। बुक सिर्फ एक ही चीज मैं रिकमेंड करता हूं, आखिर आप क्राउन लेके चलो या आप जो भी आपका लूसेंट है उसको लेके चलो, साथ में आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्पीडी का, ठीक है, रेलवे का आता है एक जीके और एक आता है आपका साइंस, बस आपको ये 2 बुक, एक क्राउन, मतलब 3 बुक हो गया, और एक अगर एक्स्ट्रा रखना चाहते हो तो महेश वर्णवाल, बस आपको इतना ही बुक रखना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज जो ड्रीम डोज के वीडियोस है अगर आप वो कर लेते हो, और उसके बाद जो एनालिसिस वीडियोस दिए जाते हैं साइंस के, जितने एनालिसिस करवाए गए हैं वो अगर कर लेते हो, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। ये हो गया आपका साइंस का, वही हो गया उसके बाद आपका करंट अफेयर्स का, इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज आपको बना के दिया गया, ठीक है। नीचे लिंक होगा, जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। बाकी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको भी मैं बता दूं, पहले आप अपना फिक्स कर लेना कि आखिर हर सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, वो कैसे पता चलेगा, हमने वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे, उससे आप जाके देख सकते हो। दूसरा, आपको रिसोर्स फिक्स कर लीजिए, रिसोर्स हमने बता दिया, 2-4 बुक मैंने आपको बताया है, जो मैंने बुक बताया उस पर आपको फोकस करना है, जो भी अगर आप कहीं पढ़ रहे हो तो वहां का नोट्स जो भी आपके पास है उस पर फोकस करना है, और अगर ड्रीम डोज से अगर आप पढ़ रहे हो आपको जो वीडियोज दिया गया है, जो पीडीएफ दिया गया है, बस उस पर ही फोकस करना है, ठीक है। 2-3 चीज में बस इतना ही करना है, और साथ में आपको क्या करना है, अल्टरनेट डेज पे
फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस। अब कुछ लोग जिनका 75 से 80 के बीच में स्कोर रह रहा है वो डेली प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, बट जिनका मान लीजिए कि 60 के 60 है 62 है, तो आप एक दिन आप छोड़ के प्रैक्टिस सेट आप लगाइए, ठीक है ये चीज। और प्रैक्टिस सेट याद रखिएगा, प्रैक्टिस सेट वैसा प्रैक्टिस सेट लगाना है जिसमें आपके नंबर आते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज, अगर किसी प्रैक्टिस सेट में आपका नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है आप समझ लो वो प्रैक्टिस सेट सही नहीं। प्रैक्टिस सेट वो अच्छा जिसमें आपका नंबर आ रहा है, जैसे कि एक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट चलता है एडू सदान बोल के, ठीक है मैंने उनका प्रैक्टिस सेट देखा है, स्पॉन्सर नहीं है ये, मैंने उनका खुद प्रैक्टिस सेट लगा, 10 से 12 क्वेश्चन आपके रहेंगे जो डिफिकल्ट होंगे, बट बाकी ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो आप कर पाओ, ठीक है। तो इनका प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हो, ठीक है जैसे जैसे और मैं लगाते हुए जाऊंगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि करना क्या है। एक चीज और, जैसे कि हम करंट का वीडियो डाल के रखें, ठीक है चाहे हम स्पीडी का वीडियो साइंस वाला डाल के रखें, तो जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है आप ईयरफोन का यूज कीजिए, ईयरबड्स का यूज कीजिए, जो करना है कीजिए, करंट का आप वीडियो आप सुनना चालू कीजिए जहां आपको टाइम मिल जाता है, ठीक है कहीं भी, मान लो जब CISF में हो, मतलब कहीं भी हो आप, ठीक है किसी भी पोस्ट पे हो, अगर आपको दरोगा बनना है तो थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज जो मैं हमेशा स्टूडेंट को बताया करता हूँ, इससे बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है, जब भी आप जॉब के लिए अपना निकलते हो तो अपना हाथ में ये जो आपका पाम है कम से कम 10-12 डेट्स ऐसे लिख डालो, 10-12 वार के डेट लिख डालो, किसी भी सब्जेक्ट के डेट्स लिख डालो, ताकि आप दिन भर देखो तो वो डेट आपको याद हो जाए, ठीक है। वो जब भी प्रैक्टिस सेट करते हो कोई डेट अगर आपको गलत हो गया तो उसको हाथ में लिख लो, ठीक है या कहीं लिख लो जब ऑफिस निकलते हो तो हाथ में लिखो, ये वाला टेक्निक भी बहुत आपका काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको क्या बोला, सब्जेक्ट वाइज आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, कैसे पता चलेगा, यूट्यूब पे हमने वीडियो डाल दिया और वीडियोज आएंगे, ठीक है सब्जेक्ट वाइज। दूसरा, रिसोर्स मैंने आपको फिक्स कर दिया है, आपको प्रॉपर फोल्डर बना हुआ है, ऐप पे जाइएगा नीचे लिंक होगा, ठीक है और वहां से आप फिनिश कीजिए, और एनालिसिस वीडियो जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाया गया है, ठीक है एक एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चंस करवाया गया उसको कीजिए, और बुक के लिए जो मैंने बताया बस उतना ही करना है, और अल्टरनेट डेज में बस आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। और जो प्रैक्टिस सेट में गलत हो जाता है फिर उस टॉपिक को आपको अच्छे से करना है, यही रूटीन आपका होना चाहिए। और जो भी मैंने टॉपिक्स करवाया है, ठीक है मान लीजिए मैंने बोटनी में बताया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उन टॉपिक को आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर, जो जो टॉपिक मैंने जिस जिस सब्जेक्ट में बताया उसको आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले, बस इतना ही करना है, इससे आपका इजिली हो जाएगा, ठीक है। और करंट के लिए मैंने बता दिया, मैंने स्पीडी एनालिसिस करवाया है, मेरे वीडियो जितना देखिएगा, और साथ में आप खुद भी एक बुक स्पीडी का रखिए, बस डेट सॉल्व, इतना अगर आप कर लेते हो आप सबसे बेटर हो गए, और थोड़ा स्मार्टली करना है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।